सो हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल सी टी वी एंड आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रिवाइज अपील्स पार्ट। तो अलाइड लॉ में वेरियस एक्शन है अपील के, हर एक्ट में अपने अपने अपील की प्रोसीजर है एंड उसी अपील की प्रोसीजर्स को हम समझेंगे। सो स्टार्ट विद द कॉमन प्रोसेस ऑफ अपील्स, देन कॉमन स्ट्रक्चर बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ सेबी, बट ठीक है वो कॉमन स्ट्रक्चर और कॉमन प्रोसेस बता के रखी है। फिर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट सिकरा में एंड जो है सेबी में, सरफाइजी में, फेमा में, पमला में, कंपनीज एक्ट के एनसीएलटी में। सो कंपनीज एक्ट भी कवर है, मैं सिर्फ वो समझ रहा था कि सिर्फ अलाइड है, नहीं पर कंपनीज एक्ट भी कवर है। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कंपनीज एक्ट 2002, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 30 ठीक है उसमें भी कवर है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सो वेरियस एक्ट एंड वेरियस अपील के प्रोविजन एंड रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम दी आरओसी, सो उसका भी वो वाला पोर्शन भी कवर्ड है सेक्शन 252। ओके सो बिना किसी देर के शुड वी स्टार्ट एंड ओके सबसे पहले बात आती है कॉमन प्रोसेस ऑफ अपील। तो रिमेंबर द अपील स्ट्रक्चर लाइक द अथॉरिटीज इन्वॉल्व, फॉर एग्जांपल सेबी इट इज एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट। तो ठीक है अगर एग्जाम्पल है सेबी का तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, सैट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो इधर कोई हाई कोर्ट नहीं है, वो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। नॉर्मली देर आर टू लेयर्स ऑफ अथॉरिटीज, फॉर एग्जाम्पल इन सेबी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ए अपील कैन बी मेड टू द सैट एंड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सैट वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है एंड द सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग। सो द फर्स्ट लेयर ऑफ अपीलेज अथॉरिटी वॉज सैट एंड सेकेंड वॉज सुप्रीम कोर्ट। एवरी अपीलेट प्रोसेस हैज अ कॉमन पार्ट इन्वॉल्व, डू फोकस ऑन दैट कॉमन पार्ट, इट विल कॉन्स्टिट्यूट 90% ऑफ द इंटायर प्रोसेस, एट लास्ट वॉट यू विल हैव टू रिमेंबर इज ओनली 10%। ओके ठीक है, तो गाइडेंस दे दिए इन्होंने। कॉमन स्ट्रक्चर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ सेवी, तो कॉमन स्ट्रक्चर में क्या बोला है कि अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ए टू सेट। तो क्या बोला है कि जो अपील है, अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू सेट विद इन द प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ डेज, डिले कैन बी फर्दर कंट्रोल बाय द सेट। ठीक है, सेट शैल एंडेवर टू डिस्पोज ऑफ द मैटर, तो सेट शैल एंडेवर टू डिस्पोज ऑफ द मैटर विद इन प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ डेज। तो अपील है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ए सैट को, डिले कंडोन कर सकती है सैट, राइट, और सैट शैल इंडियावर, सैट को इंडियावर करना चाहिए टू डिस्पोज द मैटर इन द प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ डेज। अब सैट शैल कंफर्म मॉडिफाई, तो सीएमएस कंफर्म मॉडिफाई सेट असाइड कर सकती है ऑर्डर। सैट शैल गिव बोथ द पार्टीज अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड भी देगी, और फॉलो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और फॉलो प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट ऑल थेरम पार्टम। तो ठीक है अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड देगी, ठीक है। कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ सैट शैल बी कम्युनिकेटेड टू बोथ द पार्टीज, तो बकायदा ऑर्डर की कॉपी जो है कम्युनिकेटेड टू बोथ द पार्टीज, तो वही बात है कि सैट के अगेंस्ट में, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट में सैट को अपील हुई, डिले को कंडोन कर सकते हैं, सैट शैल इंडियावर की वो डिस्पोज करेगा विद इन द प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ डेज, कन्फर्म मॉडिफाई सैट असाइड कर सकता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड देगा, कॉपी ऑफ सैट ऑर्डर कम्युनिकेट होगा बोथ द पार्टीज, अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सैट टू सुप्रीम कोर्ट, डिले कैन बी फर्दर कंडोन एंड सुप्रीम कोर्ट शैल इंडियावर टू डिस्पोज ऑफ द मैटर विद इन द प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ डेज, सुप्रीम कोर्ट शैल गिव बोथ द पार्टीज अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड, बकायदा दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड दी जाएगी। कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो भी कम्युनिकेट होगी बोथ द पार्टीज एंड डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फाइनल एंड बाइंडिंग्स होगा। तो सबसे पहले बात आती है सिकरा की, तो प्रोविजन रिलेटिंग टू अपील, तो कंपनीज राइट टू अपील व्हेन स्टॉक एक्सचेंज रिफ्यूज टू लिस्ट द सिक्योरिटी, मना कर दिया, कंपनी का राइट टू अपील व्हेन स्टॉक एक्सचेंज रिफ्यूज टू लिस्ट, तो स्टॉक एक्सचेंज ने रिफ्यूज कर दिया टू लिस्ट। सो व्हाट स्टॉक एक्सचेंज हैज डज कि उन्होंने रिफ्यूज टू लिस्ट कर दिया, तो कंपनी के पास राइट टू अपील व्हेन द स्टॉक एक्सचेंज रिफ्यूज टू लिस्ट द सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डी लिस्टिंग, मतलब डी लिस्टिंग ऑर्डर के अगेंस्ट। अब कंपनी राइट टू अपील टू सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल, तो कंपनी का राइट टू अपील टू सेट, तो अपील टू सेट वो 15 दिन में कर दे, तो क्या है कंपनी के पास राइट है टू अपील टू सेट, तो अपील टू सेट कंपनी के पास राइट है, या एग्रीव्ड इन्वेस्टर के पास राइट है टू अपील टू सेट 15 डेज ऑफ रिफ्यूजल, ठीक है 15 डेज ऑफ रिफ्यूजल टू लिस्ट द सिक्योरिटी और डिसीजन ऑफ डी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, सेट मे कंडोन द डिले, अब ये जो डिले है उसको कंडोन कर सकते, बट द पीरियड ऑफ एक्सटेंशन शैल नॉट एक्सीड 1 मंथ, तो
पीरियड ऑफ एक्सटेंशन है, ठीक है, तो 15 दिन में अपील कर दी एंड पीरियड ऑफ एक्सटेंशन मे कंटेन द डिले एंड पीरियड ऑफ एक्सटेंशन है शैल नॉट एक्सीड 1 मंथ। अब प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय सेट अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग कर देंगे, तो प्रोसीजर सेट ने अडॉप्ट करी है वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग कर देंगे, अपील को डिस्पोज करना है विद इन 6 मंथ तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग कर देंगे, अपील को डिस्पोज करना है विद इन 6 मंथ। सेट में या तो सेट असाइड कर सकता है या कन्फर्म या मॉडिफाई कर सकता है। कॉपीज ऑफ ऑर्डर ऑफ सेट जो है वो सेंड टू बोथ द पार्टीज और SE स्टॉक एक्सचेंज विल कम्प्लाई विद द ऑर्डर ऑफ सेट, तो जो स्टॉक एक्सचेंज विल कम्प्लाई और जो भी है वो स्टॉक एक्सचेंज कम्प्लाई करेगा, ठीक है। और अपील टू सुप्रीम कोर्ट टैग्री बाय जो ऑर्डर ऑफ सेट है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं, तो अपील कैन बी फाइल ऑनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, अपील 60 दिन के अंदर फाइल कर सकते हैं फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट में कंटोन डिले बट द पीरियड ऑफ एक्सटेंशन शैल नॉट एक्सीड 60 डेज, मतलब वही है कि 60 डेज प्लस 60 डेज है और फिर 15 डेज प्लस 1 मंथ है, ठीक है, 15 डेज प्लस 1 मंथ, सो 15 डेज है विच में एक्सटेंड टू फर्दर 1 मंथ विच शैल नॉट एक्सीड 1 मंथ एंड 60 डेज विच कैन में फर्दर एक्सटेंड टू 60 डेज। ये सिकरा की पेनल्टी है, तो सिकरा में अपील का बोल के रखा है, ठीक है ना, तो डी लिस्टिंग पे अपील है। सिकरा में एक अपील और होनी थी पर उस अपील, मतलब कि ये तो डी लिस्टिंग की अपील है, पर डी लिस्टिंग के अलावा जब अपील करना पड़ता है मतलब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऑर्डर से या AO के ऑर्डर से या SEBI के ऑर्डर से, ठीक है, तो डी लिस्ट के अलावा, ठीक है, तो डी लिस्ट के अलावा जो है अगर ऑर्डर से मैं अग्रीव्ड हूँ तो ऐसे केस में मेरे को अपील करनी पड़ेगी 23L में, ठीक है। तो 23L में 45 दिन में विच में फर्दर एक्सटेंड टू 45 डेज जो है सेट को अपील की जाती है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर देगा, कन्फर्म मॉडिफाई सेट असाइड करेगा, 6 महीने में उसको डिस्पोज करना है, हर पार्टी को जो है कॉपी ऑफ ईच पार्टी टू द, ठीक है, तो वो जो है डिसीजन की कॉपी हर एक पार्टी को दी जाएगी, देन उससे अग्रीव्ड हो तो 60 डेज में आप अपील कर सकते हो हाई सुप्रीम कोर्ट में फर्दर क्वेश्चन ऑफ लॉ विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 60 डेज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं वो 23L में है, तो वो सब चीज़ें उधर देखने रखी थी बट ऐसा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो सिकरा क्या है जो है अपील वाला पोर्शन जिसमें 15 डेज है जैसे यूजुअली आता नहीं कहीं, तो वो ओवर हुआ, ठीक है। अब आती बात SEBI की, ओके, तो आती बात SEBI की। सबसे पहले तो कंपनी इज़ राइट टू अपील टू सेट, तो SEBI में भी सेट में आप अपील कर सकते हो, तो आप एग्रीव्ड किससे हो गए, तो अपील टू सेट विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कॉपी ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और SEBI। तो देखो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से या SEBI के ऑर्डर से या IRDA और पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट इनके ऑर्डर से भी अगर एग्रीव्ड है तो मैं 45 दिन में सेट में जा सकता हूँ, ठीक है। वो कंडोन कर देगी डिले, अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग कर देगी, 6 महीने में डिस्पोज करना है, सेट असाइड कन्फर्म मॉडिफाइड ये सब करेगी, कॉपीज ऑफ ऑर्डर दोनों को देगी और उनको कंप्लाई करना है सेट का ऑर्डर, स्टॉक एक्सचेंज को कंप्लाई करना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ सेट, राइट। अब अपील टू सुप्रीम कोर्ट, एग्रीव्ड हूँ मैं अगर सेट के ऑर्डर से तो क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पे जो है अपील कैन बी फाइल विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ सेट और सुप्रीम कोर्ट कंडोन कर सकती है डिले, ठीक है। अब ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख रखी थी, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, वो हमको कंसीडर करनी पड़ेगी। वापस वो ये है कि वो 45 दिन का है, इसमें इम्पॉर्टेंट जो है समझने का वो IRDA और PFRDA, तो IRDA और PFRDA इधर कवर है, ठीक है, इसके भी ऑर्डर इधर कवर है। आती बात सरफाइजी एक्ट की, अब आती बात सरफाइजी की, तो सरफाइजी में ठीक है अपील की तो बात इधर करी नहीं इन्होंने, अच्छा ओके ठीक है राइट ओके। सेक्शन 4 कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय SEBI, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको इतनी मुश्किल से तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है, ARC को तो इतनी मुश्किल से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है। सबसे पहले तो ARC अप्लाई करता है RBI को, RBI उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट तो तब करेगा जब कंडीशन पूरी नहीं होगी, फिर वो ग्रांट करता है सर्टिफिकेट, अगर एक्सेप्ट करता है तो सर्टिफिकेट ग्रांट करता है अगर उसने 3-3 की कंडीशंस नहीं ओके उसे 3-3 की कंडीशंस पूरी करी तो, ठीक है। तो 3-1 ये बोलता है कि यार ARC का नेट ऑन फंड 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, उसको 3-3 की कंडीशंस पूरी करनी है, ये दोनों कंडीशन जब पूरी होती है तो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। और एक और कंडीशन पे देखो, एक तो हो गया कि 3-1, 3-3 की कंडीशन पूरी करी तब जाके जो है आपको 3-1 और 3-3 की कंडीशन पूरी करी तब जाके आपको मिलता है, 3-1, 3-3 की कंडीशन पूरी करी तब जाके आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलता है।
अब रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलता है वो भी अटैच्ड है विद सम कंडीशन जो सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 ने देके रखा है। अगर वो फॉलो करा, जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन में भी ऐसा है ना, यहाँ के रजिस्ट्रेशन में भी ऐसा है कि भैया अगर वो फॉलो कर रहे हो तो मिल जाएगा तुमको, तो फिर वो कैंसिल नहीं होगा, मतलब कि ठीक है। तो अगर ये जो सर्टिफिकेट है, वो भी एक कंडीशन से दिया जाता है, भैया अगर इसका वायलेशन करा तो जो है सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी सब्जेक्ट टू कंडीशन, तो सर्टिफिकेट के पहले भी कंडीशन, बाद में भी कंडीशन। तो सेक्शन 4 है कि कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय आरबीआई, आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला और कैंसिल हो सकता है अगर आप 4(1) में अट्रैक्ट हो गए हो तो। यही है कि वेन एआरसी सीज टू रिसीव और होल्ड एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम क्यूआईबी, जब क्यूआईबी से पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है, जब क्यूआईबी से सीज टू रिसीव और होल्ड एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द क्यूआईबी, ठीक है, तो क्यूआईबी से पैसा नहीं आ रहा, सीज टू कैरी ऑन एआरसी, तो सीज टू रिसीव क्यूआईबी से पैसा नहीं आ रहा है, जब एआरसी खुद ही अपना बिजनेस नहीं कर रहा है, तो ये सीज टू कैरी ऑन एआरसी, और फेल्स टू कम्प्लाई विद द डायरेक्शन, डायरेक्शंस जो है वो डायरेक्शंस को कम्प्लाई नहीं कर पा रहे, तो डायरेक्शंस। फिर बिफोर कैंसिलिंग रजिस्ट्रेशन आरबीआई शैल गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो अभी अपन ने क्या पढ़ा कि एआरसी सीज टू कैरी ऑन द बिजनेस, फेल टू कम्प्लाई विद द डायरेक्शंस, वही 3(1) की कंडीशन, 3(3) की कंडीशन, फेल टू कम्प्लाई, सीज टू होल्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम क्वालिफाइड बायर, ठीक है। और डायरेक्शंस की बात तो हमने कर ली, डायरेक्शंस ऑफ आरबीआई, डायरेक्शन टू मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, तो ये डायरेक्शंस होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट आपको फर्निश करना है, ये एक आपको डायरेक्शंस होती है, तो आपने अगर वो डायरेक्शंस जो है फर्निश नहीं करी या डायरेक्शंस आपने कंप्लाई नहीं करे, अब बिफोर कैंसिलिंग रजिस्ट्रेशन, सो यही पढ़ा हमने कि सीज टू कैरी ऑन द जो है सीज टू कैरी ऑन द बिजनेस, ठीक है, तो एआरसी का बिजनेस आप नहीं कर रहे हो या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर से आपको फंडिंग नहीं हो रही है, सीज टू रिसीव और होल्ड एनी इन्वेस्टमेंट, फेल टू कम्प्लाई विद द डायरेक्शंस, आप डायरेक्शंस कम्प्लाई नहीं कर रहे हो, तो फेल टू कम्प्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ आरबीआई, और फिर दूसरा डायरेक्शन है इन रिलेशन टू मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर इंस्पेक्शन, ये था। और बुक्स ऑफ अकाउंट आप टाइम पर फर्निश नहीं कर रहे हो, अप्रूवल नहीं लिया है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। एंड अप्रूवल नहीं लिया है व्हेन चेंज इन, मान लो मतलब मैनेजमेंट लोकेशन या नेम जब चेंज होता है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, आपने वो अप्रूवल ही नहीं लिया, ये सब चीज़ें हैं। तो जब है, ठीक है, बिफोर कैंसिलिंग रजिस्ट्रेशन आरबीआई शैल गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो बकायदा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आरबीआई तो देगा ही देगा, अदरवाइज जो है कैंसिल नहीं करेगा। तो अ सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और डीकंस्ट्रक्शन कंपनी एग्री बाय द ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कैंसिलेशन, अगर मैं वो सर्टिफिकेट ऑफ कैंसिलेशन से, ठीक है, एग्री बाय द ऑर्डर, तो फिर मैं अपील करता हूँ, ठीक है ना। तो इन्होंने इसलिए बैक स्टोरी बताई कि एग्री बाय द ऑर्डर है, ठीक है, तो ऐसे केस में अपील करते हैं 30 दिन में, ठीक है, तो अपील कर सकते हैं 30 दिन में, तो मैं प्रीफर आई अपील विद इन 30 डेज, एप्लीकेशन अगेंस्ट मेजर टू रिकवर डेप्ट, तो ये जो अभी अपील है वो अपील 30 दिन में कर सकते हैं, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब सेक्शन 17, एप्लीकेशन अगेंस्ट मेजर्स टू रिकवर सिक्योर डेप्ट, ऐसा है कि एप्लीकेशन अगेंस्ट मेजर टू रिकवर सिक्योर डेप्ट में ऐसा है कि सबसे पहले तो मेजर्स लिए जाते हैं, कब मेजर्स लिए जाते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन तो अगेंस्ट मेजर्स है ना, ठीक है, मेजर्स टू रिकवर, और वो मेजर्स है टू रिकवर सिक्योर डेप्ट, तो एप्लीकेशन अगेंस्ट मेजर्स टू रिकवर सिक्योर डेप्ट, तो मेजर्स क्या, कौन से मेजर्स, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि सिक्योर क्रेडिट, जब बोरोवर जो है, वन सेकेंड, सी देखो ऐसा है कि सबसे पहले हमको मेजर्स समझने पड़ेंगे क्योंकि मेजर्स के अगेंस्ट में, तो देखो ऐसा है कि बोरोवर अमाउंट लेता है और सिक्योरिटी गिरवी रखता है, अब सिक्योर क्रेडिटर नोटिस देता है कि भैया ड्यू डेट पे कि भैया पेमेंट कर दे पूरी लाइबिलिटी का 60 दिन के अंदर, राइट, नोटिस तो दे गई, ठीक है, और जब वो नोटिस देता है तो नोटिस के अंदर कंटेंट बताता है कि कुछ अमाउंट पेबल है और देखो लाइबिलिटी पूरी पे करनी है और नॉन पेमेंट पे जो है वो मेजर्स एक्सरसाइज करेंगे 13(4) के, एंड सिक्योरिटीज इंटेंड टू बी इन्फोर्स, और सिक्योरिटी इन्फोर्स करेंगे। अभी जो है इस टाइप के नोटिस कब इशू होते हैं, इस टाइप के नोटिस इशू या तब इशू होते हैं जब डिफॉल्ट हुआ है बोरोवर के द्वारा ऑफ एनी लाइबिलिटी एंड सच आर क्लासिफाइड एज NPA, ठीक है, तो ये सब है, तो जब ये NPA हो जाता है फिर ये NPA उन पे एप्लीकेबल नहीं है जिसने रेज करे है फंड डेप्ट सिक्योरिटी से, जैसे कि बोरो, जैसे कंपनी ने डिबेंचर इशू करके पैसे इकट्ठा करे, ठीक है, तो ऐसे केस में सिक्योर क्रेडिटर हो गया डिबेंचर और कंपनी हो गई बोरोवर,
तो ऐसे केस में जो डिबेंचर होल्डर्स है वो थोड़ी ना एनपीए क्लासीफाई कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, तो उस पर ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये एप्लीकेशन देते हैं, ये नोटिस देते हैं कि भैया लाइबिलिटी पूरा ही पे कर, ठीक है, वो बॉरोवर इसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और ये जो नोटिस आ जाता है उसके बाद कोई भी सिक्योर्ड एसेट ट्रांसफ़र नहीं होती विदाउट एनी कंसेंट। जब जॉइंट बॉरोवर होता है तो सबको नोटिस चले जाता है। अब इसमें कोई कोर्ट का इंटरवेंशन और ट्रिब्यूनल का इंटरवेंशन नहीं होता, ठीक है। और अब बात यह आती है कि अब इस पे जो है रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन बॉरोवर देता है, क्योंकि नोटिस पे रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्शन देगा। अब नोटिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्शन जो है विथ रीजंस जो है वो कंसीडर करेगा, ज़रूरी है उसको कंसीडर करना, और कम्युनिकेट करेगा 15 दिन में, ठीक है। तो अगर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ रीजन और ऑब्जेक्शन, अगर वो जो है नॉन एक्सेप्टेंस वो कंसीडर तो करेगा, पर अगर उसको लग रहा है कि इसके रीज़न और ऑब्जेक्शंस ना जम नहीं रहे हैं, नॉन एक्सेप्टेंस और रीजन ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शंस, तो वो रीजन के साथ, ठीक है, रीजन्स के साथ, तो सबसे पहले वो मेजर स्टार्ट कर देगा, रीजन्स के साथ वो मेजर स्टार्ट कर देगा। अब जब बात आती है कि जब ये 34 के मेजर लगाना स्टार्ट किए, तो लगाने के लिए, ठीक है, तो लगाने के लिए तो कोई मना नहीं कर सकता कि 34 के मेजर्स लगा रहे हैं तब जो है अपील नहीं कर सकते। 34 के मेजर्स लगाए और उसके बाद अगर एग्रीव्ड हो गया बॉरोवर, तो उस केस में वो लगा सकता है एप्लीकेशन, अपील फाइल कर सकता है, ओके। तो ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें हैं, राइट। जब 34 के मेजर्स लगाए हैं, तो मेजर लगाने के बाद अब आती है बारी सेक्शन 17 की, और जहाँ पे जब बॉरोवर है, बॉरोवर अगर एग्रीव्ड हो गया है आफ्टर 34, तो अप्लाई करता है 45 दिन के अंदर DRT में, ठीक है। और जो 60 डेज प्लस एक्सटेंशन और टोटलिटी में वो 4 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो डिसीजन देता है। तो यही अपन पढ़ेंगे कि पर्सन एग्रीव्ड बाय द मेजर टेकन बाय सिक्योर क्रेडिटर, तो जो मेजर्स है टेकन बाय द सिक्योर क्रेडिटर अंडर सेक्शन 13, वो एप्लीकेशन देता है DRT को, वो एप्लीकेशन देता है DRT को 45 दिन में फ्रॉम द मेजर। एंड एनी ऑफ द पर्सन एग्री बाय द ऑर्डर ऑफ DRT, DRT के ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो अपील कर सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल को। तो DRT के ऑफर जो है, DRT के ऑर्डर से अगर एग्रीव्ड है, ठीक है, तो अपील कर सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल को विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ DRT। तो DRT के ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो विद इन 30 डेज जो है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ DRT, अब बॉरोवर रिसाइडिंग इन जम्मू कश्मीर में फाइल अपील टू हाई कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अब इधर क्या बोल के रखा है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि पर्सन जो एग्रीव्ड है बाय द मेजर्स ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर एप्लीकेशन DRT को करेगा विद इन 45 डेज, ठीक है, विद इन 45 डेज। और जो है DRT से अगर एग्रीव्ड है, तो DRT से एग्रीव्ड है तो हम जो है अपील फाइल करते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में, ठीक है। तो ये होता है DRAT, तो DRT से एग्रीव्ड है तो अपील फाइल करेंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल में 30 दिन के अंदर, राइट। अब जब DRT में अपील फाइल करते हैं, ठीक है, तो DRT में अपील फाइल करते हैं तो आपको 60 डेज में अपील जो है आपको ऑर्डर देना है, विच में एक्सटेंड टू फर्दर नहीं, पर टोटलिटी में 4 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर डिस्पोजल ही नहीं हो रहा है 4 महीने तक, तो ऐसे केस में जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है डायरेक्ट करता है DRT को फॉर एक्सपीडिशियसली डिस्पोजल ऑफ अपील, ठीक है। और ठीक है, इसमें अब ऐसा होगा कि इसमें अगर बॉरोवर जम्मू कश्मीर से, तो ऐसे केस में DRT नहीं आता है, डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ स्टेट आता है, और अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं आता, हाई कोर्ट आता है, राइट। तो यही बात है कि डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ स्टेट आता है, फिर हाई कोर्ट आता है, ठीक। तो एनी पर्सन एग्री बाय द DRT में अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल बॉरोवर डिसाइडिंग इन जम्मू कश्मीर में फाइल अपील टू हाई कोर्ट, ये कब आता है, DRAT, मतलब कि वो जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है ना, वो अपीलेट ट्रिब्यूनल की जगह अपील होती है उधर हाई कोर्ट में, और DRT की जगह उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ स्टेट। हाउएवर बिफोर फाइलिंग एन अपील, जब आप अपील फाइल करते हो तो 50% ऑफ ड्यूज जो है आपको डिपॉजिट करने पड़ते हैं, विच कैन बी रिड्यूस बाय ट्रिब्यूनल टू अमाउंट नॉट लेस देन 25%, इसको रिड्यूस कर सकते हैं ऑफ अमाउंट नॉट लेस देन 25%, ठीक है। तो ये सब पर्टिकुलर चीज़ें थी। तो ठीक है, हमने इस तरीके से जो है अपील वाली प्रोसीजर देख ली, ठीक है। तो वही 45 डेज और 30 डेज है, हाँ। तो इसमें थोड़ा सा याद रखने का है कि हमको जो अपने को जो अपीलेट ट्रिब्यूनल में अप्लीकेशन फाइल करनी है वो 30 दिन में करनी है, पहले 45 दिन है, ज़्यादा दिन लग रहे हैं, फिर बचे हुए पे हमको 30 दिन लगेंगे, ठीक है, हमको अपीलेट ट्रिब्यूनल में 30 दिन लगेंगे। आती है बात फिर फेमा 1999 की,
अब फेमा 1999 सेक्शन 17 अपील टू एसडी स्पेशल डायरेक्टर, अपील टू एसडी स्पेशल डायरेक्टर, तो अपील कर रहे हैं एसडी को। तो अपील टू एसडी अपील्स मे बी मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर आया और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर असिस्टेंट डायरेक्टर है, अगर असिस्टेंट है डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट या डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट है, तो हम 45 दिन के अंदर अपील कर देते हैं, विच में भी फर्दर एक्सटेंड, तो 45 दिन के अंदर अपील कर देते हैं, ठीक है, और स्पेशल डायरेक्टर अपील्स को। तो ये असिस्टेंट या डिप्यूटी हुए। अब अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये तो अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल कब होगा? पहले तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से अगर एग्री उठे और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है अगर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट है और ये डिप्यूटी है, तो ऐसे केस में ए का ऑर्डर जो है उसके ऑर्डर के 45 दिन के अंदर जो है अपील फाइल कर सकते हैं स्पेशल डायरेक्टर अपील को। पर इसके अलावा कोई है तो जो है अपील होती है अपीलेट ट्रिब्यूनल को। अब उधर अपील होती है स्पेशल डायरेक्टर को, उसके अलावा कोई है तो अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल में अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ओके अभी ये रूटिंग चल रही है, ठीक है। तो अभी स्पेशल डायरेक्टर हमने पढ़ा, ठीक है, अभी अपन ने स्पेशल डायरेक्टर पढ़ा जब हमारे जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो, ठीक है, डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट है या जो है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट है। तो सेक्शन 17 के तहत हम जो है स्पेशल डायरेक्टर अपील्स को जो है एप्लीकेशन अपील फाइल करते हैं। फिर 18 में क्या होता है कि जो अपील है 18 में बाकायदा जो अपील है वो अपील फाइल होती है अपीलेट ट्रिब्यूनल में। तो अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल में बी मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एसडी अपील्स। तो एसडी अपील के अगेंस्ट में ऑर्डर देना है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा। तो अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल में बी मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एसडी अपील्स इफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज अदर देन असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डिप्यूटी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट विदिन 45 डेज प्लस एक्सटेंशन ऑफ 80। इधर थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर दी है। अब ऐसा है कि जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एग्रीड होता है, देखो एसडी के अगेंस्ट में ऑर्डर अगर आपको देना है, एसडी के अगेंस्ट अपील करनी है, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके अपील कर दो आप, ठीक है। पर अब बात यह है कि अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मेरा असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट या डिप्यूटी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट नहीं है, तो ऐसे केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को 45 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल को अपील फाइल करनी चाहिए, ठीक है, ये है। तो अगर ए अदर देन, ठीक है, तो ऐसे केस में फिर जो है अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल को फाइल होती है और स्पेशल डायरेक्टर अपील्स को फाइल नहीं होती है। फिर अपील टू हाई कोर्ट, तो अपील टू हाई कोर्ट अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ 80 बाय सीजी एक्यूज्ड, अपील कैन बी फाइल्ड ओनली ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, अपील मस्ट बी फाइल्ड इन 60 डेज एंड डिले मे बी कंडोन अप टू 60 डेज इफ सफिशिएंट कॉज इज शोन। तो इधर जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट क्या बोलता है, अपील टू हाई कोर्ट अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ 80 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या एक्यूज्ड, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्टीज ने ही जो है अपील कर दी हाई कोर्ट में, तो अपील कैन बी फाइल ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ और 80 इज अ फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल तो फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है, अपील 60 डेज में कर सकते हो, डिले को कंडोन कर सकते हो अप टू 60 डेज। अब कॉमन प्रोविजन रिलेटिंग टू अपील से, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी गिवन, तो बकायदा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती है पर्सन परफॉर्मिंग एन अपील ऑफ अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, पर्सन जो परफॉर्म प्रेफरिंग एन अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल और स्पेशल डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट ने इधर अपियर इन पर्सन, तो या तो खुद से हो जाए और टेक द असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर या सीए, ठीक है, और ऑफ हिज चॉइस टू प्रेजेंट हिज केस बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल और द स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील। फिर बात आती है कि अथॉरिटी में कन्फर्म मॉडिफाई सेटिसफाइज द ऑर्डर, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देना चाहिए टू द पार्टीज टू द अपील, बकायदा जो पर्सन जो प्रेफर कर रहा है एन अपील टू द एप्लीकेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल और द स्पेशल डायरेक्टर अपील, तो अंडर दिस एक्ट ने इधर अपीयर इन पर्सन, तो जो अपील कर रहे हैं वाद या तो वो जो है इधर अपीयर इन पर्सन और लीगल प्रैक्टिशनर के साथ आए, वो कन्फर्म मॉडिफाई द सेटिसफाइड ऑफ ऑर्डर तो कर ही देंगे वो। फिर आती है बात पमला की, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें भी अपील्स की बातें करके रखी है। ओके, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो प्रोविजन ऑफ अपील, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट में ऑर्डर है, ठीक है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट में ऑर्डर है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में 45 दिन में अपील हो जाएगी, जो डिले कंट्रोल कर सकते हैं और वो अपीलेट ट्रिब्यूनल
कन्फर्म, मॉडिफाई और सेटिसाइड कर देता है ऑर्डर। तो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेबी, अब से अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एटी। तो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो अपील जो है फाइल होगी हाई कोर्ट को। तो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल अपील फाइल होगी हाई कोर्ट को विद इन 60 डेज, और हाई कोर्ट जो है कंडोन कर सकता है डिले। तब ये है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से जो एग्रीव्ड है तो वो एटी में अपील करते हैं, ठीक है। या रिपोर्टिंग एंटिटी एग्रीव्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टर ऑर्डर, अगर डायरेक्टर ने कोई ऑर्डर दिया और रिपोर्टिंग एंटिटी एग्रीव्ड हो गई है तो भी एटी को जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टर से एग्रीव्ड हो, ठीक है, तो अगर रिपोर्टिंग एंटिटी एग्रीव्ड है तो 45 दिन के अंदर जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर सकती है, ठीक है। और एक और है कि डायरेक्टर एग्रीव्ड या एग्रीव्ड पर्सन बाय ऑर्डर ऑफ एए, तो एए के ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो अपील होगा एटी को, या डायरेक्टर एग्रीव्ड है तो डायरेक्टर एग्रीव्ड है तो भी वो अपील कर देगा एटी को, या ठीक है डायरेक्टर एग्रीव्ड है तो वो अपील कर देगा एटी को। मतलब सिंपल सी बात ये है कि कोई भी एग्रीव्ड हो सकता है ना, क्योंकि डायरेक्टर ने डायरेक्शंस दिए, ठीक है। अब डायरेक्टर ने डायरेक्शंस दिए तो या तो डायरेक्टर डायरेक्शंस को कंप्लाई करा नहीं करा जो भी है, अगर डायरेक्टर एग्रीव्ड हुआ तो भी वो एटी के पास जाएगा, और रिपोर्टिंग एंटिटी एग्रीव्ड हुई तो भी वो जा सकता है। तो डायरेक्टर भी जा सकता है और रिपोर्टिंग एंटिटी भी जा सकती है, ठीक है, 45 दिन के अंदर, और डायरेक्टर भी जो है 45 दिन के अंदर जा सकता है। ये सब है, अपील फाइल कर सकते हैं, और हाई कोर्ट जो है मे कंडोन द डिले द मैक्सिमम बाय फर्दर 60 डेज। फिर कंपनीज एक्ट आता है NCLT, ओके। ओके, तो कंपनीज एक्ट 2013 में, अभी हम अपील्स पढ़ने वाले। ओके, तो कंपनीज एक्ट 2013 NCLT, एनी पर्सन एग्री बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से जो भी एग्रीव्ड है वो अपील फाइल करता है अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अपील शैल बी फाइल विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉपी ऑफ ऑर्डर इज मेड अवेलेबल टू द पर्सन एग्रीव्ड। तो जैसे ही पर्सन एग्रीव्ड को कॉपी ऑफ ऑर्डर अवेलेबल हुआ, उसने अपील फाइल कर दी 45 दिन के अंदर। ऑन रिसिप्ट ऑफ अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर देगा, और वो कन्फर्म मॉडिफाई सेट असाइड कर देगा ऑर्डर। फिर एटी जो है शैल सेंड कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर बाय इट टू ट्रिब्यूनल एंड पार्टीज टू अपील, ठीक है, लोअर अथॉरिटीज को दे देगा कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर। अब पर्सन एग्री बाय द ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल वो अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट में, इधर हाई कोर्ट नहीं आता है। हाई कोर्ट किधर आता है, हमने वो फेमा में पढ़ा था, ठीक है, और इधर वापस सुप्रीम कोर्ट आता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब प्रोवाइडेड डेट सुप्रीम कोर्ट में इफ इट इज सेटिस्फाइड डेट अपीलेंट वॉज बीन प्रिवेंटेड बाय सफिशियंट कॉज, जैसे केस में फर्दर पीरियड एक्सटेंड कर सकती है बट नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, तो फर्दर पीरियड वो दे सकते हैं विच शैल नॉट बी एक्सीडिंग 60 डेज। अब कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट की बात आती है, सेक्शन 237 अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट।
तो एवरी मेंबर या क्रेडिटर ऑफ ईच ट्रांसफरर कंपनी बिफोर एमलगमेशन, तो ट्रांसफरर ऑफ ईच ट्रांसफरर कंपनी बिफोर एमलगमेशन शैल हैव एज नियरली एज पॉसिबल सेम राइट एंड इंटरेस्ट इन द ट्रांसफरी कंपनी। तो हर मेंबर और क्रेडिटर को जो ट्रांसफरर कंपनी में है बिफोर एमलगमेशन शैल हैव एज नियरली एज पॉसिबल सेम राइट एंड इंटरेस्ट होना चाहिए, वो ट्रांसफरी कंपनी में होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला है कि ट्रांसफरर कंपनी के जो मेंबर और क्रेडिटर है ट्रांसफरी कंपनी में भी उसमें सेम राइट एंड इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर राइट और इंटरेस्ट लेस हो गए हैं तो उनको फिर कंपेंसेशन पे करो, इंटाइटल्ड फॉर कंपेंसेशन। इफ़ पर्सन एग्री बाय द अबव कंपेंसेशन, तो ऐसे केस में अपील होता है ट्रिब्यूनल को विद इन 30 डेज ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ सच असेसमेंट इन ऑफिशियल गैजेट। तो पर्सन एग्रीड है उस कंपेंसेशन से तो राइट तो सबसे पहले होने चाहिए, सेम राइट एंड इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर राइट एंड इंटरेस्ट हो गए है कम देन दे शैल इंटाइटल फॉर कंपेंसेशन। अगर पर्सन एग्री बाय द अबव कंपेंसेशन है तो अपील करेंगे ट्रिब्यूनल को, तो डायरेक्ट अपील करेंगे ट्रिब्यूनल को, जो है अपीलेट करेंगे ट्रिब्यूनल को विद इन 30 डेज फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ सच असेसमेंट। तो 30 दिन के अंदर अपील कर देंगे ट्रिब्यूनल को। फिर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, तो कंपटीशन एक्ट 2002 में क्या बोल के रखा है कि प्रोविजन रिगार्डिंग अपील्स, तो अपील कैन बी फाइल्ड टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में फाइल होती है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर विद इन 60 डेज। अभी इधर 60 डेज है, 15 दिन हमने सिकरा में पढ़ा था, यूँ तो 45 दिन स्टैंडर्ड है, इधर 60 डेज में अपील फाइल होती है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपील फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट को 60 डेज में। अब आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी जो है अपील से हो गए। अब 36AA क्या बोलता है, पावर ऑफ RBI टू रिमूव मैनेजरियल एंड अदर पर्सन फ्रॉम द ऑफिस। तो पावर ऑफ RBI के पास क्या पावर है, टू रिमूव मैनेजरियल एंड अदर पर्सन, वो मैनेजरियल एंड अदर पर्सन को ऑफिस में, ठीक है, टू रिमूव मैनेजरियल एंड अदर पर्सन फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, तो व्हेन रिजर्व बैंक, अभी तो रिजर्व बैंक का खेल आता है, अगर रिजर्व बैंक सेटिस्फाई होता है कि ये तो पब्लिक इंटरेस्ट में है या प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ बैंकिंग कंपनी या बीइंग टू प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ बैंकिंग कंपनी जो कंडक्ट हो रहा है डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और सिक्योरिंग प्रॉपर मैनेजमेंट, तो व्हेन रिजर्व बैंक इज सेटिस्फाइड दैट पब्लिक दैट इन द पब्लिक इंटरेस्ट और प्रिवेंशन ऑफ अफेयर्स ऑफ बैंकिंग कंपनी, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि दैट इन द पब्लिक इंटरेस्ट और RBI को लगता है कि टू प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ बैंकिंग कंपनी कंडक्टेड इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स और फॉर सिक्योरिंग प्रॉपर मैनेजमेंट, तो पब्लिक इंटरेस्ट है, ठीक है, और ठीक है अफेयर्स ऑफ अ कंपनी जो है वो कंडक्ट हो रहे हैं डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, इज इट नेसेसरी टू डू सो द रिजर्व बैंक फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग। फिर जो रिजर्व बैंक है, ये जो रिजर्व बैंक है रीजंस करता है राइटिंग में रिकॉर्ड, ठीक है, तो रीजन रिकॉर्ड करता है इन राइटिंग बाय ऑर्डर रिमूव द ऑफिस, और जो ऑर्डर से उनको रिमूव कर देता है, ठीक है, विद डिफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर विद डिफेक्ट फ्रॉम सच डेट। तो एनी चेयरमैन डायरेक्टर CEO बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड और एनी अदर ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द बैंकिंग कंपनी अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड तो दी जाएगी। जो टर्मिनेटेड ऑफिशियल है वो अपील कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर। ठीक है, अब डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। तो अब जो है इसमें रिमूवल ऑफ ऑफिस, अगर आप टर्मिनेट कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो फ्रॉम ऑफिस, तो आपको शो कॉज नोटिस तो देना पड़ेगा, ठीक है, और आप ऑफिसर और एम्प्लॉय को भी रिमूव कर सकते हो, अपील कर सकते हैं 30 दिन में। और डिसक्वालीफाइड अगर रिमूव करते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 5 ईयर्स टू डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट विद एनी कंपनी, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी कंपनी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, डिस्क्वालीफाइड फॉर द 5 ईयर्स। अब आती है बात डिस्क्वालीफाइड फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करी, अब क्या करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करी तो फेवर में डिसीजन आया या अगेंस्ट में डिसीजन आया। अब अगर अगेंस्ट में डिसीजन आया, ठीक है, मतलब कि RBI अगर सेटिस्फाइड है कि पब्लिक इंटरेस्ट में या जो है डेट्रीमेंटल टू द अफेयर्स और बैंकिंग कंपनी प्रॉपर मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में रीजंस टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग
उसने टर्मिनेट कर दिया सबको, सबने अपील करी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके अपील को ही रिजेक्ट कर दिया है। तो ऐसे केस में आरबीआई के फेवर में बात हो गई है, तो आरबीआई अपॉइंट करता है अदर सूटेबल पर्सन फॉर थ्री ईयर विच में फर्दर एक्सटेंड टू 3 ईयर। सच पर्सन जो इंकर नहीं करते एनी ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी, तो वो उन पर्सन को अपॉइंट करता है विच हु शैल नॉट इंकर एनी ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी। तो ये एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं आरबीआई, ठीक है, फॉर 3 ईयर विच में एक्सटेंड टू फर्दर 3 ईयर्स। अब कंपेंसेशन टू शेयर होल्डर अगर देखें तो कंपेंसेशन टू शेयर होल्डर ऑफ एक्वायर्ड बैंक, तो वही बात आती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्ट इंस्टेंस में जो है आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करती है, तो कंपेंसेशन शैल बी गिवन इन अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल कंटेंट इन द फिफ्थ शेड्यूल। तो फिफ्थ शेड्यूल के हिसाब से होगा, कंपेंसेशन पेबल होगा शेयर होल्डर ऑफ द एक्वायर्ड बैंक, ठीक है। शेयर होल्डर एग्रीड विद द मैटर ऑफ मैनर ऑफ कंपेंसेशन, तो कंपेंसेशन देगा होल्डर ऑफ शेयर्स को। अब कंपेंसेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अगर उसको मैनर सही लगा कि नहीं लगा, तो ऐसे केस में जो है वो मैनर ऑफ कम्युनिकेशन जो है कंप्यूटेशन की आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर ठीक है। तो अगर कंपेंसेशन एक्सेप्टेबल नहीं है तो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर रिकम्प्यूटेशन की, काश आप जो है रिकम्प्यूट इसको करें, ठीक है। तो ये जो रिक्वेस्ट है ये कौन करेगा, 25% क्या बोल के रखा है कि जब कंपेंसेशन पेबल टू द शेयर होल्डर ऑफ एक्वायर्ड बैंक, जिसके शेयर जिसकी बैंक अब मैं एक्वायर कर रहा हूँ, शेयर होल्डर एग्री विद द मैटर ऑफ शेयर होल्डर अगर एग्रीड है विद द मैनर ऑफ कंपेंसेशन में रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो रिक्वेस्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को टू रेफर द मैटर टू द ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो शेयर होल्डर एग्रीड हो गया विद द मैटर मैनर ऑफ कंपेंसेशन, तो रिक्वेस्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट रेफर करेगा मैटर ट्रिब्यूनल को, ठीक है। अब इफ़ 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर होल्डिंग एटलीस्ट 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर और होल्डिंग एटलीस्ट 1/4 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वेस्ट करते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट रेफर करेगा मैटर टू ट्रिब्यूनल। तो अगर 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर अगर 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर होल्ड कर रहा है एटलीस्ट 1/4 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वेस्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट रेफर करता है मैटर टू द ट्रिब्यूनल, ठीक है। वैसे रेफर नहीं करता, तो इस केस में तो सेंट्रल गवर्नमेंट रेफर करता है ट्रिब्यूनल को एंड कंपेंसेशन डिटरमाइंड बाय ट्रिब्यूनल जो है वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा, ठीक है। अब रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज फ्रॉम द आरओसी, तो रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज लास्ट पोर्शन है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज फ्रॉम द आरओसी, तो पर्सन एग्री बाय द ऑर्डर ऑफ आरओसी, तो आरओसी का जो भी ऑर्डर था अंडर सेक्शन 248(1) फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम, तो मे फाइल एन अपील टू द ट्रिब्यूनल, अपील ट्रिब्यूनल में फाइल करी विद इन द 3 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ आरओसी ऑर्डर, आरओसी ऑर्डर के 3 साल में अपील फाइल करी। इफ ट्रिब्यूनल इज ऑफ ओपिनियन दैट रिमूवल इज नॉट जस्टिफाइड, तो इट मे ऑर्डर रीस्टोरेशन, तो ऑर्डर कर सकता है रीस्टोरेशन ऑफ द नेम आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड। तो क्या बोला, पर्सन एग्रीड है जो आरओसी के ऑर्डर से फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम, ठीक है। तो पर्सन एग्री बाय द ऑर्डर ऑफ 248(1), ठीक है। तो 248(1), तो 248(1) में क्या होता है कि रजिस्ट्रार जो है या तो सुओ मोटो जो है वो नोटिस देता है STK-1 में और रीजंस टू रिमूव बताता है कंपनीज को और ऑल इट्स डायरेक्टर्स को, ठीक है, और जो अपना रिप्रेजेंटेशन 30 दिन में भेजते हैं। रजिस्ट्रार को रीज़न टू बिलीव क्रिएट हो रहा है तब ये ऐसा करता है सुओ मोटो। तब रीज़न टू बिलीव कैसे क्रिएट हुआ, वो होता है कि इनकॉर्पोरेशन डेट के 1 साल के अंदर बिजनेस कमेंस नहीं हुआ, 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से बिजनेस कैरी नहीं हुआ और नो एप्लीकेशन टू ऑब्टेन डॉर्मेंट कंपनी स्टेटस, ठीक है। तो नो बिजनेस, ठीक है, तो क्या बोला है, नो बिजनेस कैरी 2 साल से प्लस नो एप्लीकेशन टू ऑब्टेन और नो एप्लीकेशन टू ऑब्टेन डॉर्मेंट कंपनी स्टेटस प्लस 2 और एडिशनल पॉइंट है जो है सुओ मोटो में, ठीक है। सब्सक्राइबर ने सब्सक्रिप्शन पे नहीं करा, डिक्लेरेशन जो है वो फाइल नहीं करा इन 180 डेज, और फोर्थ में क्या बोलता है कि 12/9 के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद बिजनेस नहीं कैरी ऑन हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में जो है रजिस्ट्रार जो है ऑर्डर दे सकती है, ठीक है, स्ट्राइक ऑफ करने का। तो वैसे ही कंपनी ने, अब वो तो सुओ मोटो हो गया, कंपनी ने जब एप्लीकेशन दी है फीस अटैच करके, तो रजिस्ट्रार ने जो है रिमूव कर दिया प्रोसीजर, स्ट्राइक ऑफ कर दिया ऑर्डर इशूइंग पब्लिक नोटिस। तो कंपनी किस ग्राउंड पे, वही इनकॉर्पोरेशन के 1 साल के अंदर बिजनेस कमेंस नहीं हुआ है, 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से बिजनेस कैरी ऑन नहीं हो रहा है एंड कोई एप्लीकेशन ऑप्टेन नहीं हुई है फॉर डॉर्मेंट कंपनी स्टेटस, तो नोटिस के थ्रू बकायदा जो है
एप्लीकेशन के थ्रू, और वी कैन से एप्लीकेशन के थ्रू रजिस्ट्रार को बोलती है कि नाम हमको, हमारा नाम हमारा ऑर्डर को स्ट्राइक ऑफ कर दो। तो अगर पर्सन एग्रीव्ड है, अब ऐसे केस में अगर पर्सन एग्रीव्ड हो गया है तो अपील कर सकता है ट्रिब्यूनल को 3 साल के अंदर, ठीक है भैया, ठीक है। इट मे बाय ऑर्डर रिस्टोरेशन ऑफ द नेम, इट मे बाय ऑर्डर रिस्टोरेशन ऑफ नेम बाय गिविंग अपॉर्चुनिटी, बाय गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड। इफ ट्रिब्यूनल इज ऑफ ओपिनियन डेट रिमूवल जस्टिफाई नहीं है तो रिस्टोरेशन दे दिया जाएगा, ठीक है, आफ्टर हैविंग रीजनेबल ऑफ अपॉर्चुनिटी बींग हर्ड। इफ द कंपनी मेंबर क्रिएटर वर्कमैन, अगर कंपनी, कंपनी के मेंबर क्रिएटर वर्कमैन देयर ऑफ फील्स एग्रीव बाय द कंपनी हैविंग इट्स नेम स्टक ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर, अगर कंपनी मेंबर क्रिएटर वर्कमैन देयर ऑफ फील एग्रीव्ड बाय द कंपनी हैविंग इट्स नेम स्टक ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी, दे मे अपील टू द ट्रिब्यूनल। तो कंपनी मेंबर्स क्रिएटर वर्कमैन अगर वो फील करते हैं, ठीक है, और अगर वो फील करते हैं कि द कंपनी द नाम जो स्ट्रक ऑफ हो रहा है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी, तो दे फील एग्रीव बाय द कंपनी हैविंग इट्स नेम स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी, अगर वो एग्रीव्ड है क्योंकि नाम जो है वो स्ट्रक ऑफ हो रहा है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी, दे मे अपील टू ट्रिब्यूनल बिफोर एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम द पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। तो बिफोर एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स जो है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम द पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, तो 20 साल में जो है वो अपील कर सकते हैं। अब इफ ट्रिब्यूनल इज ऑफ ओपिनियन दैट द रिमूवल इज नॉट जस्टिफाइड, और ट्रिब्यूनल को ओपिनियन में है कि जो रिमूवल है वो जस्टिफाइड नहीं है, इट मे ऑर्डर, मतलब अगर ट्रिब्यूनल को ओपिनियन है रिमूवल इज नॉट जस्टिफाइड, मतलब वही रिमूवल इज नॉट जस्टिफाइड, इट मे ऑर्डर रिस्टोरेशन, तो वो रिस्टोरेशन को ऑर्डर दे सकता है आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड। और वही क्रिएटर मेंबर जो कंपनी है वर्कमैन है, अगर वो एग्रीव्ड है जो अगर उनका नाम स्ट्रक ऑफ हो रहा है, तो ऐसे केस में जो है अब इस केस में जैसे बोल कर रखा है कि पर्सन एग्रीव्ड है स्ट्राइक ऑफ होने से, तो वो अपील फाइल करेगा ट्रिब्यूनल को, ठीक है, विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ROC's ऑर्डर, ठीक है, 3 साल में अपील कर सकता है। और अगर ट्रिब्यूनल इज ऑफ ओपिनियन डेट रिमूवल जस्टिफाइड नहीं है, कि आपका जो रिमूवल है वो तो जस्टिफाइड ही नहीं है, तो वो रिस्टोरेशन कर देगा। तो इधर पर्सन एग्रीव्ड था, तो इधर भी तो कंपनी मेंबर क्रिएटर वर्कमैन वो अगर एग्रीव्ड है स्टक ऑफ से, तो उधर पर्सन एग्रीव था, इधर ऐसा बोल के रखा है वो अपील करेंगे बिफोर एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर। अब जैसे कि इधर 3 साल था तो उधर 20 ईयर है। सो इस तरीके से जो है हमने सारे अपील्स वाला पोर्शन पढ़ लिया है, जहाँ पे हमने पर्सन एग्रीव्ड है तो वो 3 साल के अंदर जो है ROC के ऑर्डर के 3 साल के अंदर अपील कर सकता है, रिमूवल जस्टिफाइड नहीं है तो रिस्टोरेशन हो जाएगा। क्रिएटर मेंबर, कंपनी मेंबर क्रिएटर वर्कमैन जो है अगर एग्रीव्ड है बाय कंपनी फ्रॉम द नेम स्ट्रक ऑफ, तो 20 साल के अंदर वो अपील फाइल कर सकता है, और अगर रिमूवल जस्टिफाइड नहीं है तो रिस्टोरेशन हो जाएगा। फिर बात वही आ जाती है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की पब्लिक इंटरेस्ट में है, बैंकिंग कंपनी के अफेयर्स के रिस्पेक्ट में है, ताकि वो डेट्रीमेंटल नहीं हो टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, प्रॉपर मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो, तो जो रिजर्व बैंक है वो रिमूव कर सकती है फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है, चेयरमैन को, सबको रिमूव कर सकती है, ठीक है, और बिफोर रिमूवल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड देनी पड़ेगी। और टर्मिनेटेड ऑफिशियल जो है वो अपील करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो अपील करते हैं ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर। और कंपेंसेशन टू शेयर होल्डर, अगर कंपेंसेशन जो डिसाइड किया गया है 5th शेड्यूल के अकॉर्डिंग है, कंपेंसेशन पेबल टू शेयर होल्डर ऑफ एक्वायर्ड बैंक, शेयर होल्डर एग्रीव्ड बाय द मैनर ऑफ कंपेंसेशन, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को टू रेफर द मैटर टू द ट्रिब्यूनल। तो अगर शेयर होल्डर एग्रीव्ड है कि कितना तुम कंपेंसेशन पे कर रहे हो हमको समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे केस में वो रिक्वेस्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को टू रेफर द मैटर टू द ट्रिब्यूनल, कि काश आप जो है मैटर ट्रिब्यूनल को रेस करो। अब जो है कंप्लेन शेयर होल्डर जो एग्रीव्ड है, तो भैया कितने लोग तो होने चाहिए ना जो एग्रीव्ड है फ्रॉम द कंपेंसेशन, तो ऐसे केस में 1/4 ऑफ नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो होल्ड करे, 1/4 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, वो रिक्वेस्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट मैटर ले जाएगा ट्रिब्यूनल में, एंड जो कंपेंसेशन डिटरमाइंड बाय ट्रिब्यूनल वो फाइनल और बाइंडिंग होगा। कंपटीशन एक्ट में ऐसा ही है कि अपील AT में फाइल करते हैं विद इन 60 डेज, इसमें याद रखने का है कि 60 दिन में जो है अपील फाइल करते हैं कमिश्नर के ऑर्डर के 60 दिन के अंदर जो है हम अपील फाइल करते हैं, और फिर जो है अपील ट्रिब्यूनल में, और अगर अगेंस्ट जो ऑर्डर ऑफ अपील ट्रिब्यूनल, तो 60 डेज में जो है हम सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट में भी ऐसा है कि अगर मेंबर क्रिएटर जो ट्रांसफरर कंपनी को है उसको सेम राइट मिलने चाहिए, अगर राइट ऊपर नीचे ना हो तो कंपेंसेशन देता है, पर्सन एग्री बाय द कंपेंसेशन वो मे प्रीफर एन अपील टू द ट्रिब्यूनल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सच असेसमेंट। तो यही बात आ जाती है कंपेंसेशन की,
कि पब्लिकेशन ऑफ असेसमेंट इन ऑफिशियल गैजेट, तो 30 दिन में जो है वो अपील कर सकता है ट्रिब्यूनल को, 30 दिन में अपील कर सकता है ट्रिब्यूनल को। और इधर जो कंपेंसेशन की बात करी थी, ठीक है, उधर क्या हो रहा था, इधर तो सिर्फ यही बोल के रखा है कि आपको कंपेंसेशन की रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट में जो है जो कंप्लेंट है वो टाइम पे दे देनी चाहिए। अब कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो गया तो इधर तो 30 डेज में आपको, ठीक है, अपील करना है ट्रिब्यूनल को। फिर वही बात आ जाती है कि कंपनी एक्ट में कि ट्रिब्यूनल से एग्रीड हो तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में चले जाओ 45 दिन के अंदर, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड देंगे, और उनसे एग्रीड हो तो अपील कर दो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, 60 डेज के अंदर। तो 45 दिन और 60 दिन, ठीक है, वो फर्दर एक्सटेंड कर देंगे 60 डेज तक। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में यही बोल के रखा है, तो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू अपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन 45 डेज। तो वही है कि मनी लॉन्ड्रिंग में भी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को जो है 45 दिन डिले कंडोन हो सकता है, कन्फर्म मॉडिफाई सेट असाइड है, और अगेंस्ट दी एटी हाई कोर्ट में जा सकते हैं विद इन 60 डेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन ऑफ एटी। तो एटी के कम्युनिकेशन के 60 दिन के अंदर हाई कोर्ट में जा सकते हैं जो कंडोन कर देगा फर्दर 60 डेज। अब यही बात आ जाती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में, तो एसडी अपील्स होता है, एसडी अपील्स में असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट है, इसके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करना हो तो ठीक है 45 दिन में चले जाओ, पर अगर अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल है मे बी मेड अगेंस्ट दी ऑर्डर ऑफ एसडी अपील्स कॉमा एसडी अपील्स के अगेंस्ट में अगर ऑर्डर है या तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अदर देन असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट और डिप्यूटी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है तो 45 दिन के अंदर ये एक्सटेंशन जो है 45 दिन के अंदर अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल होती है, फिर अपील हाई कोर्ट में होती है अगेंस्ट दी एटी क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पे, वो 60 डेज की अपील का फंडा तो है ही। फिर जो है रिकवरी की बात है कि आपने 13(4) के अंदर मेजर्स जो दे के रखे हैं, ठीक है, तो 13(4) के अंदर जो मेजर्स है इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है, अगेंस्ट मेजर, तो एप्लीकेशन अगेंस्ट मेजर है, तो वही बात आ जाती है कि 45 दिन में डीआरटी को जो है हम एप्लीकेशन देंगे, फिर उससे एग्रीड हुए तो 30 दिन में डीआरएटी को देंगे, डीआरटी डिस्ट्रिक्ट जज हो जाएगा और डीआरएटी जो है वो हाई कोर्ट हो जाएगा अगर जम्मू कश्मीर का पर्सन रेसिडेंट है तो। और जब अपील फाइल करते हैं तो ऐसे केस में 50% ऑफ ड्यूज डिपॉजिट करना पड़ता है जिसको विच वुड बी उसको 20% तक ला सकते हैं, ठीक है, विच कुड बी रिड्यूस टू बट नॉट लेस देन 25%। फिर कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एआरसी है, तो एआरसी के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिलेशन उससे अगर हम एग्रीड है तो ऐसे केस में जो है हम अपील करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को 30 दिन के अंदर। फिर ठीक है, सेबी के अंदर देखे रखा है कि 45 दिन में अपील होती है, 45 दिन में अपील करते हैं डिले कंडोन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं 60 दिन के अंदर अगर उसके ऑर्डर से एग्रीड है तो सैट के ऑर्डर से। फिर वही है कि डी लिस्टिंग में थोड़ा सा इजी है कि अपील जो है सैट में होता है 15 दिन में, भैया डी लिस्टिंग करने से मना कर दिया तो 15 दिन में अपील होती है, सैट कंडोन कर सकता है डिले, 6 महीने में डिस्पोज करना है, एग्रीड हो तो स्पेशल कोर्ट में चले जाओ डायरेक्ट, 60+60 डेज है, ठीक है, तो फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ, ठीक है, 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर जो है आप 60 डेज में जो है अपील कर दो सुप्रीम कोर्ट को। अब पॉइंट ये आता है कि पीएफआरडीए और आईआरडीए वाला केस होता है, मतलब कि लिस्टिंग के अलावा, मतलब कि डी लिस्टिंग वाले ऑर्डर के अलावा अगर कोई सा मैटर होता है तो वही 45 दिन में आपको अपील करनी पड़ती है। अब वही 45 दिन कहाँ से लेते हैं, तो 45 दिन वही है फ्रॉम द कॉपी ऑफ एडजुडिएटिंग अथॉरिटी, मतलब कि कॉपी ऑफ ऑर्डर जो आता है, कॉपी ऑफ ऑर्डर उसके 45 दिन के अंदर जो है अपील फाइल हो जाती है। तो ये सब पॉइंट है, ये सब चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी है, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये जो है अपील हमने पढ़ा है और क्विकली हमने इसको रिवाइज कर दिया। बाकी जो है वो अपील एकदम से ऐसे क्लिक नहीं होगी, वो तो स्पेसिफिक आपको जो है जब आप चैप्टर्स करोगे तब आप उनको पार्टीज का नॉलेज होता है तब आप जो है बहुत तरीके से इम्फेसिस करते हो, बट फिर भी एक अपील का वीडियो बनाना तो फिर भी ज़रूरी है क्योंकि हमको समझ में तो आया कि कितने दिन में कब अपील करनी है क्या नहीं करनी है, क्योंकि अगर छोटी छोटी अपील्स अगर हम कलेक्टिवली पढ़ते हैं तो दिमाग में कुछ चीज़ें फ्रेम फिर हो जाती है, अदरवाइज चैप्टर स्पेसिफिक चलोगे तो आप अपील्स को एक साथ कोरिलेट और एसोसिएट नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, आई होप सो आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, और कभी नहीं आए डू लाइक डिसलाइक सब्सक्राइब जो आपको करना है करिए, एंड अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना है तो काइंडली दे दीजिएगा, तो वो हेल्प करता है आगे के वीडियोस को फर्दर इम्प्रूव करने में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।